को फिर से बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह सातवां बिहार दौरा होगा। पीएम 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे। उसके बाद दो बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सिवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे गोरियाकोठी में रैली कर जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे अहम बना हुआ है। ये इस बात से समझ सकते हैं कि 21 मई को होने वाला पीएम मोदी का बिहार दौरा उनका सातवां बिहार दौरा होगा। वहीं पीएम के दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, मतलब इंडी गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, तब तब बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और एनडीए के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें गजब का उत्साह नजर आता है। तो तैयारियां पूरी है इन जगहों पर और एनडीए प्रत्याशियों को लेकर के प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम का बिहार पर सातवां जोर कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार दौरा पर दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। खत्म हो गया है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गया है। तो पीएम मोदी जिन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं, आइए जानते हैं वहां मुकाबला कैसा नजर आता है। नजर अगर पूर्वी चंपारण पर डालें तो पूर्वी चंपारण में बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह का मुकाबला वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा से है। तो ये फाइट है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की और इस सीट को अहम बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो ये पूर्वी चंपारण की सीट है जहां से राधा मोहन सिंह बीजेपी से उम्मीदवार है। सिवान की बात करें तो यहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला आरजेडी की अवध बिहारी चौधरी से है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद से आते हैं महाराजगंज, ये भी काफी बड़ी सीट है जहां से जनार्दन सिंह सिग्रवाल बीजेपी से सिटिंग सांसद भी है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस से आकाश सिंह, इस बार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे आकाश सिंह, जो कांग्रेस से चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रत्याशियों के लिए पहुंच रहे हैं जो एनडीए के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्र सीट की बात करते हैं तो ये भी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहां से रामकृपाल यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो आरजेडी ने मिसा भारती को यहां से उतारा है और इन सीटों पर किस तरीके से वोटर्स को बांधा जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर लगाएंगे। इसके बाद से बात करते हैं काराकाट लोकसभा सीट की, तो यहां से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम और सीपीआईएमएल राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। तो देखिए, पवन सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में है और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। तो इस सीट पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए बेहद अहम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बक्सर की अगर बात करें तो यहाँ से मिथिलेश तिवारी, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, और आरजेडी से यहाँ पर सुधाकर सिंह, जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन सीट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर लगाते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरे